पहले 12th मैथ्स में हमारा 9D में क्वेश्चन नंबर 10th तक कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कॉस इनवर्स 2x² - 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कॉस इनवर्स 2x² - 1 है ना। हम यहाँ पे पुट करेंगे f के प्लेस पे cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos इनवर्स x, देन cos इनवर्स 2x के प्लेस पे आ जाएगा cos थीटा -1। अब ये फॉर्मूला का क्या होता है? 2 cos θ - 1 cos 2θ का, ये हमने कल ही लिखा था। यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 2θ। अब cos इनवर्स से cos का जाए कैंसिल, तो कितना बचेगा? 2θ। 2 और थीटा के प्लस पे थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है? cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 × d/dx cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का 1 और हमें रूट में 1 - x². फाइनली आपका -2 और अपन में 1 - x². ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या है? cos इनवर्स x - x inverse / x + x inverse। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से इनवर्स हटाते हैं तो ये हो जाएगा x - 1/x, है ना। इनवर्स हटाएंगे तो x / 1 आ जाएगा और नीचे भी इसी टाइप से हो जाएगा x + 1/x। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x² - 1 और अपन में आ जाएगा आपका x, फिर नीचे हो जाएगा x² + 1 और अपन में x, फिर x कैंसिल हो जाएगा, फिर इतना बचेगा cos इनवर्स x² - 1 और अपन में x² + 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - x² साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे इसको लिख देंगे अपन 1 + x². ठीक है, अब x की जगह हम पुट करेंगे 10θ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 inverse x। तो ये पुट करा हमने cos इनवर्स 1 - 10² θ और अपन में 1 + 10² θ। तो ये गाय का फॉर्मूला होता है cos 2θ का। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो कितना बचा? -2θ। अब -2 आगे रख देंगे और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपको -2 और थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 inverse x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx 10 inverse x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 + x². फाइनली आंसर हो गया आपका -2/1 + x². ठीक है, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब 13-14 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 15। क्वेश्चन 15 क्या है? 10 inverse (1 + a²) - 1 ax। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम
एक्स स्क्वायर को एक ही ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर लगा देंगे इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपन में एक्स। अब पूरे एक्स तो जो है आपका एक्स का प्लेस पर पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा के लिए कितने जाएगी टेन इनवर्स ए एक्स, ठीक है, देन टेन इनवर्स वन प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन चल रहा है और नीचे भी कितना आ जाएगा ए एक्स के प्लेस पे टेन थीटा, अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस का चल रहा है वन और अपॉन में चल रहा है टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा ओनली सेक थीटा माइनस वन और ये आपका टेन थीटा। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो सेक को लिख देंगे अपन वन अपॉन में कॉस थीटा माइनस वन और टेन को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसका एल्सियम लेंगे तो यह आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और नीचे चल रहा है साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल तो कितना बचा वन माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस वन को काटने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये लग जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का क्योंकि इसमें वन का एक प्लस का और जब प्लस के वन को माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा ताकि प्लस के वन से माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब नीचे देखो नीचे क्या लिखा है साइन थीटा तो आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा और जब यहाँ से अपने पास टू नहीं है अपने पास क्या है सिंगल साइन है तो यहाँ से जब टू हटेगा तो वो कहाँ जाएगा थीटा के अपॉन में तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। ये हो गया आपका टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू और वन से वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस तो कितना हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू नहीं वन से वन कैंसिल और माइनस माइनस प्लस कितना बचा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और अपन में कितना बचा टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू टू से टू कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई टू और नीचे बचा कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा अपन में कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा सही हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। अब टेन वन से टेन कैंसिल कितना बचा प्लस टेन थीटा बाई टू और वन बाई टू का बाहर कर लेंगे थीटा के लिए लिखेंगे थीटा के लिए कितनी है टेन इनवर्स ए एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ए एक्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वन अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन में वन प्लस हो जाएगा आपका ये ए एक्स का स्क्वायर। फाइनली आंसर आएगा आपका वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साइन एक्स और अपन में कितना है वन प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स। यहाँ पे वही फॉर्मूला जो अभी लगा था अपन ने कितना हो जाएगा
साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और नीचे वन प्लस का तो वन माइनस वाला फॉर्म लग जाएगा, कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, वन प्लस का वन माइनस का इनको कितना बचा टू साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू टू से टू कैंसर एक कोस से एक कोस कैंसर कितना बचा साइन एक्स बाय टू कॉस में कॉस एक्स बाय टू साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन, तो ये हो गया आपका टेन एक्स बाय टू टेन में से टेन कैंसर कितना बचा एक्स अपॉन बाय टू, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वन अपॉन टू और डिफरेंशिएशन किसका आएगा ओनली एक्स का, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन, तो फाइनली आंसर कितना आएगा आपका वन बाय टू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा सेक्शन हो गया 17, 18, 19 सेल्फ करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।